श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ मङ्गलमूर्तये नमः ॐ विघ्नहर्ते नमः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनोहरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। बोले गणपति भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भाई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। काल भैरव भगवान की जय। आज हम नजर दोष के निवारण के लिए भगवान काल भैरव का पूजन कर रहे हैं। देखिए काल भैरव के पूजन से अनेक प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। जैसे ऊपरी हवा किसी का किया कराया, नजर दोष टोक किसी का टोक लगना, नजर दोष इन सब से जो है मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वैसे तो काल भैरव भगवान शिव का ही स्वरूप कहा जाता है, शिव का ही स्वरूप है। और भगवान शिव ने क्रोध में आकर के काल भैरव को प्रकट किया था और इस कारण से काल भैरव का जो स्वरूप है विकराल स्वरूप है और काल भैरव के हाथ में जो है छड़ी है वाहन। कुत्ते का वाहन है भगवान काल भैरव का। तो भगवान काल भैरव के पूजन से आपके ऊपर में किसी के द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं तांत्रिक क्रियाएं हैं अनेक प्रकार की जो क्रियाएं वो सफल नहीं होती है। आपके ऊपर में किसी के द्वारा किया गया टोना है टोटका है उसका भी जो है काल भैरव के पूजन से उसका प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा शरीर में किसी प्रेतात्मा है नकारात्मक जो शक्तियां हैं नकारात्मक ऊर्जा का वास है घर में आपके शरीर में तो काल भैरव के पूजन से जो है उन सब से छुटकारा मिल जाता है। और शत्रुओं के ऊपर में विजय श्री की प्राप्ति होती है। शत्रु कोई आपको तंग कर रहा हो परेशान कर रहा हो तो भगवान काल भैरव के भजन से शत्रुओं के ऊपर में विजय श्री की प्राप्ति होती है। देखिए काल भैरव अष्टमी होती है संध्या के रात्रि के समय में जिस दिन अष्टमी होती है उसको भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। और अष्टमी के दिन में भगवान काल भैरव का प्रादुर्भाव हुआ था और आज जो है अष्टमी है बहुत ही शुभ अवसर है। और अष्टमी के दिन में जो किया गया पूजन है उसका जो है 100 गुना फल अधिक होता है अन्य दिनों की अपेक्षा। तो काल भैरव के पूजन से जो अष्टमी को काल भैरव का यजन करता है शत्रुओं का नाश होता है मुकदमे में विजय श्री की प्राप्ति होती है सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है सारी के सारी जो कठिनाइयां हैं समाप्त हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं वो भी भगवान काल भैरव के यजन से और समस्याओं का जो है
समाधान हो जाता, निदान हो जाता, हल हो जाती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं, बहुत अवसर मिलते हैं और जो है मनुष्य उस पर चल करके जो है सफलता की सफलता जो है प्राप्त कर सकता है। देखिए काल भैरव का तो जो है कलयुग में विशेष करके बहुत बड़ा प्रभाव है, काल भैरव के पूजन का। काल भैरव के पूजन से ग्रह दोष, अनेक प्रकार के जो ग्रह दोष हैं, लंबे समय से चली आ रही जो बीमारी है, लंबे समय से चली आ रही बीमारियों के बीमारियां हैं, वे भी काल भैरव के पूजन से, लंबे समय से आ रही जो बीमारियां हैं वे भी जो है बहुत इलाज करने के बाद भी बीमारियां नहीं जानती नहीं जाती है, अस्वस्थ रहते हैं। तो काल भैरव के पूजन से संपूर्ण बीमारियां जो हैं समाप्त होती हैं, शरीर जो है स्वस्थ होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और विशेष करके जो है भगवान काल भैरव जो क्या हैं, तो कलयुग के जागृत देवता हैं। आप लोग शायद गए होंगे कभी उज्जैन में, उज्जैन में भगवान काल भैरव का स्थान है बनारस में, तो साक्षात काल भैरव वहां जो है हैं, जिनके कृपा से मनुष्यों की संपूर्ण बाधाएं समाप्त हो जाती, जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती। और काल भैरव जागृत देवता है, और शिव पुराण में तो जो है काल भैरव को जो है महादेव भगवान शंकर का ही जो है पूर्ण रूप बतलाया गया है। और इनकी उपासना से मनुष्यों के संपूर्ण जो क्लेश हैं, संपूर्ण जो बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, दुख है, दारिद्र है, इन सब का निवारण हो जाता। अब काल भैरव वैसे अष्ट भैरव वर्णित हैं, काल भैरव अशितंग रुद्र जो क्रोध रूप में उन्मत्त कपाली संहार नाम जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, तो भगवान शंकर के अवतारों में भैरव का जो है बहुत अपना विशिष्ट महत्व है। विश्वस्य भरणात् रमणात् बमनात् सृष्टि स्थिति संहारकारी प्रसिद्ध भैरव, यानी कि संपूर्ण दुखों का दुखों से निवारण करने वाले भगवान काल भैरव हैं, मनुष्यों की कामना को पूर्ति कराने वाले हैं काल भैरव। काल भैरव के पूजन से दिशाओं से, दसों दिशाओं से मनुष्य की रक्षा होती है और मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती है। विशेष करके कलयुग में काल भैरव की जो पूजा है, जागृत देवता है, तो बहुत शीघ्र फलदायी होता है, बहुत शीघ्र फलदान प्रदान करते हैं। आइए हम लोग अब पूजन प्रारंभ करें। आचम्य प्राणायम्य ओम गंगे च मुनि चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पात्रेस्मिन् सन्निधिं करो कर पात्रम सुसंपन्नम सुसंपन्नम ओम केशवाय माधवाय नमो नारायणाय नमः अस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम।
अथ पवित्रीकरणम् अहम् अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरा शुचिः सर्वं शुचिः आत्मानं प्रोक्ष पूजा सामाग्रीं च संप्रोक्ष धूपो दीपः दीपज्योति ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पाप भो दीप सुस्थिरो भव कर्म साक्षिणे दीप नारायणाय नमः ॐ पृथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कुरुमो देवता आसनशोधने विनियोगः पृथिव्यै नमः पाद्यम् अर्घ्यम् आत्मनिन्दनं समर्पयामि श्रीभूम्यै नमः वस्त्रमुपवस्त्रं समर्पयामि श्रीभूम्यै नमः गन्धान् धारयामि अक्षतान् पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयं जलं समर्पयामि श्रीभूम्यै नमः अहं पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विश्वना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुर्चासनम् पृथिव्यै नमः आधारशक्ते नमः कुरुमासनाय नमः कमलासनाय नमः बलासनाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्रीभूम्यै नमः अथ भूतोत्साधनमपसरपन्तु ये भूता ये भूता भूमिसंस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते न स्यन्तु शिवागया पाक्रान्तभूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभितुं प्राच्यै नमः ॐ वाच्यै नमः ॐ प्रतीच्यै नमः ॐ उदिच्यै नमः ॐ अन्तरिक्षाय नमः ॐ कर्मभूम्यै नमः एवं दश दिशो रक्षत् वासुदेवो जनार्दनः हाथ जोड़ करके अपने गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आइए अब गणेश जी इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता सभी देव देवताओं का आवाहन पूजन करेंगे बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में। श्रद्धा ही क्योंकि श्रद्धा ही विद्यते देवो, देवतागण श्रद्धा में ही निवास करते हैं, इसलिए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में आपने सभी देव देवता गणपति आदि देवताओं का आवाहन पूजन करना है कि आप यहाँ आकर के विराजमान हों, हमारे पूजन को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी भावना रखते हुए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में गणपति आदि देवताओं का ध्यान करेंगे। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातो ॐ बृहदस्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं ज्यावानो विदधे खुजग्मयः अग्निजोहामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितञ्जदायुः सतमेन्न शरदो अन्ति देवा जतराणः सकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारेरिहतायुर्गन्तोः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानितोऽम्म ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः स
कलाष्टमी हसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधाम तमजासि गर्भधाम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सशस्त्रशुकः सुभद्रिकां काम्पिलवासिनीं सुशान्तिर्भवतु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्ध्वदिशहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अभिघ्नमस्तु सुमुखस्थैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अपि सिद्धार्थ सिद्धार्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सन्नेत्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति ते साम्यमङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैववलं तदेव लक्ष्मीपतेत्यं ध्रुवं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः। ईशामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर् दुर्वाणीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यविभुक्तानां योगच्छेहं वहाभ्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयी श्रीभुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशाम जनार्दनः विश्वे सम्माधवं दुण्यं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आइए उदय प्रधान जी श्री चरण गांगी रेड्डी जी आपके मन में